तो देख सकते हैं दोस्तों, मुझे यहाँ पर 45,000 का लोन मिल चुका है, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के। यदि आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। यदि आप काम करते हों या ना करते हों तो भी आपको यहाँ पर जो है लोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर 20,000 45,000 तक का लोन आपको मिल जाता है। कैसे मिलेगा वो जानने के लिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। एम पॉकेट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद आपके सामने ये ऐप आ जाएगी, इसको इंस्टॉल वगैरह ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट परमिशन एंड टर्म एंड कंडीशन क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अलाउ कर देना है और लेट्स गो स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद OTP आपको यहाँ पर फिल करनी है और वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चुनना है आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं या सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो सैलरीड एम्प्लॉयड, यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, यदि आप स्टूडेंट हैं तो I am a student पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देता हूँ। आप जो भी काम करते हैं वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछता है आपको पेमेंट कैसे मिलती है, जैसे बैंक अकाउंट में मिलती है या कैश मिलती है, चेक में मिलती है। तो आपको बैंक अकाउंट में मिलती है तो बैंक अकाउंट, यदि आप कैश कमाते हैं तो आप कैश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड एंटर करने की कहेगा, लेकिन आपको I don't have a referral code पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप अपनी कम्फर्टेबल लैंग्वेज चुनकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपको 20,000 तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन करना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी और सेल्फ वीडियो KYC करना होगी। ठीक है, एंड वीडियो सेल्फी अपलोड करना होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पैन नंबर फिल करना है, दूसरे में हमको आधार नंबर फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई, ये दोनों फिल करने के बाद हमको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर OTP जाएगी, उस OTP को हमको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद हमको यहाँ पे आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि नाम, मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम बनना ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है, और लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर चुनना है, मेल है, फीमेल है, अदर है, वो आपको चुनना है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन में हो, आधार में, वो डेट ऑफ बर्थ पे देना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड है मैरिड, सिंगल है सिंगल। ठीक है, उसके बाद आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चुनना है, आप कहाँ तक पढ़े हैं वो चुनना है। ठीक है, उसके बाद आपको फादर नेम देना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम देना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप कहाँ पर जॉब करते हैं, यानी आप कहाँ पर सैलरीड पर्सन है, वो कंपनी डिटेल्स आपको देनी है, कंपनी का नाम देना है, ऑफिस एड्रेस देना है, ऑफिस का पिन कोड देना है, टाइप ऑफ वर्क में आपको फुल टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं वो चुनना है, ऑक्यूपेशन चुनना है आप क्या काम करते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस में आपको चुनना है आपको आप कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है ये काम करने का। उसके बाद आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो सेल्फी अपलोड करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एग्री बटन पर क्लिक करना है, परमिशन रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे आपको एग्री बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 14,500 का हमें यहाँ पर लोन अमाउंट मिला है, जिसमें से हम अपनी मर्जी मुताबिक बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 14,500 की हमें को यहाँ पे जो है लिमिट मिली है, 14,500 में से हम यहाँ पर कितना भी अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट द लोन टाइप, यानी वन टाइम आप पेमेंट करना चाहते हैं या EMI के थ्रू आप ये लेना चाहते हैं, यानी आपको जो ब्याज बनेगा वो वन टाइम देंगे या आप EMI के थ्रू मंथली पे करेंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पे चुनना है, लेकिन यहाँ पे बेटर ये रहेगा कि आप EMI पे लें।
तो आपको ईएमआई चुनने को सिलेक्ट लोन अमाउंट पे क्लिक करना हो, यहाँ से आपको कितना लोन चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, जितना भी आपको लोन चाहिए उतना आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने 6,000 यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप कितने मंथ के लिए ये लोन ले रहे हैं वो चुनेंगे, और इसके साथ ही में हमने ईएमआई पे क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 मंथ के लिए यदि हम लेते हैं तो 2,162 रुपये की हमारी किस्त बनेगी, जिसको दोस्तों हर महीने हमें यहाँ पे करना होगा 2,162। 3 महीने में हमारा जो लोन है पूरा हो जाएगा, और 6 महीने के हम यदि यहाँ पे चुनते हैं तो यहाँ पर ये लोग जो है पहले इंटरेस्ट काट लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 5,271 रुपये जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और आपको यहाँ पर 6,867 रुपये जो है पे करने हैं, ठीक है। और इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट लोन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ से फिर से आपको अलाउ कर देना है। और देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है, यदि तो पहली बार आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपकी सारी डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल डालनी होगी, और ये जो है बैंक वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट में भेजते हैं, जिसके बाद आपका जो बैंक है वेरीफाई हो जाता है, इस तरीके से लिखा आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम इस बैंक अकाउंट को जो है क्लिक कर देते हैं, यानी इस बैंक अकाउंट को हम चूज़ कर लेते हैं, और जिस बैंक में हम पैसा लेना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे दिख जाएगी। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, कंफर्म पे हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्पस पूछा जाता है, आप किस लिए ये लोन जो है लेना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फूड के लिए, अदर के लिए या शॉपिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर अदर पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 चेकबुक्स मिलेंगे जिनमें इनकी टर्म एंड कंडीशन है, इन 4 चेकबुक्स पे आपको चेक मार्क लगाना होगा और आई एग्री पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन लिखा गया है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, लोन कॉन्ट्रैक्ट, व्यू कॉन्ट्रैक्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है RBI द्वारा प्रमाणित है, इसलिए हमको यहाँ पर ये पॉकेट मनी एग्रीमेंट जो है साइन करना होगा, और यहाँ पर एग्री पर हमको क्लिक करना है। तो आप इनका एग्रीमेंट जो है पढ़ सकते हैं यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP फिल करना है और कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। देख सकते हैं 5,271 रुपये जो है 30 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर जो है आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा जो है आ जाता है। तो इस तरीके से आप एम पॉकेट से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो अपनी रिस्क पे लें, इसमें हमारी कोई ज़्यादा नहीं होती है। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।